हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के। तो पहला क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 8/15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11/15। देन पूछा गया है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई वी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी अपॉन, जब जो नीचे टर्म है वी, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वी नीचे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पहचान है इस फार्मूले की, दी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है, यहाँ से एक फार्मूला है, ये क्वेश्चन आया है एलटी ग्रेड 2018 में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें दिया क्या गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया गया है 7/15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 8/15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमें दिया है 11/15। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11/15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 8/15। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 11/8। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कॉइन इज थ्रोन 6 times, यानी कोई सिक्का है वो उसको 6 बार उछाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 heads कितनी होगी। यानी सिक्के को अगर 6 बार उछाला जाता है तो 4 बार हेड आने की, यानी शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आया एलटी ग्रेड 2018 में। ऑप्शन है 1/4, 3/4, 5/16 एंड 15/64। तो हम लोग यहाँ पर देखें सैम्पल स्पेस कितना है, एन ऑफ यस, यहाँ पर क्या है, क्योंकि 6 बार इसको उछाला जाता है तो सिक्के को, सिक्के में 2 पैटर्न होते हैं हेड एंड टेल, इसलिए 2 की पावर 6 जो है इसकी सैम्पल स्पेस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 2 की पावर 16 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 6 times। तो ये वैल्यू आएगी 64, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64। अब हमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 heads, यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 heads, यानी कि सिक्के को अगर 6 बार उछाला जाता है तो 4 heads आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये आएगी 6c4। अब चूंकि सैम्पल स्पेस है मैं 64, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 heads क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 heads हो जाएगा 6c4/n(s), यानी 64। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 6c4 इसको जब खोलेंगे तो आएगा (factorial 6/(factorial 4)×(factorial 6-4), दैट इज़ (factorial 2)/64। जब इसको और सॉल्व करते हैं, (factorial 6) इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6×5×4×3×2×1, ये (factorial 6) को खोलेंगे, उसके बाद अपान (factorial 4) नीचे आ जाएगा, यानी कि 4×3×2×1, उसके बाद (factorial 2) को 2×1 और नीचे 64, ये जो है नीचे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 4×3×2×1, तो ये कैंसिल हो गया 4×3×2×1 से, उसके बाद 2×1 तो ये हो गया 3, 2×3 = 6, 3×5 = 15, तो आएगा जाएगा 15/64। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आएगा हमारा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ,
तो ये आएगा 15/64। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेंस 8 रेड बॉल एंड 5 वाइट बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड 2 बॉल्स आर वाइट इज। उसने ये कहा कि एक थैले में 8 सफेद लाल गेंदे हैं, मान लीजिए ये रेड थैला है, उसके बाद ये मान लिया हमने वाइट थैला है। उसने कहा एक बैग में, रेड वाले बैग में 8 बॉल हैं और सफ़ेद वाले बैग में 5 वाइट बॉल हैं। उसने कहा 3 बॉल्स एट रैंडम, यानी कि 3 गेंदें जो यदृच्छा निकाली जाती हैं, तो एक लाल और 2 सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा गया। तो इसमें से हमें निकालना है, यानी कि 1 रेड बॉल, तो 1 रेड बॉल कैसे निकालेंगे हम लोग इस थैले से, तो इसको निकालेंगे 8 C1, यानी कि 8 C1 टाइप से। तो रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिखना पड़ेगा गेटिंग रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल, यानी एक लाल गेंद निकालने पर था 8 में से हमें 1 लेना है, तो कैसे लेंगे 8C1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल, यानी 2 सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमें 5 में से लेने 5C2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 5/(2)/3। इसको सॉल्व करेंगे 5×4 (3) आएगा, वो कट जाएगा इससे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5×2=10। तो ये वैल्यू मिल गई, बट हमें सैम्पल स्पेस कितना है, टोटल 8 और 5 (13) बॉल हो जाएंगे टोटल। हमें निकालने की तो नहीं, 1 बॉल रेड एंड 2 बॉल वाइट, तो टोटल 3 बॉल निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 बॉल्स के लिए क्या हो जाएगा, टोटल कितनी है 13 बॉल (13C3), तो टोटल सैंपल स्पेस हमारा हो गया 13C3। तो यहाँ से हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा 8C1×5C2/(13C3), ये वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ इरेज कर देते हैं, 8C1 की वैल्यू कितनी है 8i×5C2 (10), 10/, उसके बाद 13C3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 13C3 के लिए फैक्टोरियल 13 इंटू, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, (3)×(10), क्योंकि 13 - 3 करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद जो इसको सॉल्व करेंगे तो 8×10 (80)×(3)/(3) की वैल्यू 3×2×1×(10), अपान इसको लिख लेंगे 13×12×11×(10). फैक्टोरियल 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3×2=6, 6×2=12, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40, तो 40×1 दैट इज 40/(13×11) कितना आएगा, 13 बन जा 13 एंड 1 कैरी 14, यानी कि 40/(143)
इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग कंटेंस 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, यानी कि एक बैग में क्या है, 6 रेड बॉल है, 6 रेड बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि एक बॉल यादृच्छक जो है वो निकाली जाती है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए रेड बॉल और ए ग्रीन बॉल, यानी कि जो गेंद निकाली जाती है वो या तो एक लाल बॉल होगी या एक हरी बॉल होगी, तो उसकी प्रायिकता में निकालनी है। ऑप्शन है 1, 1/2, 3 एंड 5। तो ये क्वेश्चन आया है DSSP 2014 में, तो इसको हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल जो बॉल कितनी होगी 10 में से हमें चूज कितनी करनी है, एक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10 से 1। यहाँ से हमें 6 रेड बॉल में से एक बॉल अगर चुनेंगे तो क्या आएगी 6C1, और 4 ग्रीन में से चुनेंगे तो क्या आ जाएगी 4C1। तो इस तरीके से हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट आइदर इट इज रेड बॉल और ग्रीन बॉल, तो क्या हो जाएगी 6C1 + 4C1 / टोटल कितना है 10C1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 + 4C1 की वैल्यू 4 / 10C1 की वैल्यू 10। तो यहाँ से 6 + 10 6 + 4 10 आएगा, 10/10 कितनी आ गई 1। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी इवेंट ई ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 0.999, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, यानी कि किसी परिणाम ई के लिए प्रायिकता में दी गई और किसी परिणाम ई के लिए प्रायिकता पी प्रोबेबिलिटी ई नॉट क्या होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये बार टाइप का बनाते चल, ई नॉट इक्वल टू 1, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये DSSP TGT 2014 में आया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट हमें प्रोबेबिलिटी अभी दी गई, प्रोबेबिलिटी अभी ई नॉट पूछी गई। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 0.999 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ये हमसे पूछा गया, तो इसको 1 में से घटा देंगे, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 0.999। जब इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.001। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देर आर 12 पर्सन इन ए पार्टी, किसी एक पार्टी में या कार्यक्रम में 12 व्यक्ति हैं, इफ़ ईच ऑफ देम शेक हैंड्स विद ईच अदर, और प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे से शेक हैंड करता है यानी हाथ मिलाता है, देन नंबर ऑफ हैंड शेक्स इन पार्टी आर, यानी कि नंबर ऑफ यानी कितनी संख्या होगी वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कितने मेंबर हैं टोटल पर्सन, टोटल पर्सन इन ए पार्टी कितने हैं 12, तो 12 पर्सन है। हम लोग जानते हैं जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कम से कम 2 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, तो नंबर ऑफ हैंड्स इन द पार्टी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हैंड्स इन द पार्टी कितने प्रकार हो जाएंगे 12C2। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 12C2 फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10, क्योंकि 12 × 11 और फिर फैक्टोरियल 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 12 × 11 / 2 जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 66। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, ऑफ दीज 12 टीच मैथ एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, हाउ मनी टीचर्स जो है टीच ओनली फिजिक्स,
यानी किसी स्कूल में क्या है 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं, भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 जो हैं गणित और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने जो टीचर हैं वो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन हैं 12, 8, 16 एंड नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आया DSSSB 2014 TGT में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा है, तो फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग m जो है यहाँ m से रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स या मैथ्स, और p से डिनोट करेंगे फिजिक्स फिजिक्स। और हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ m यूनियन p, यानी कि मैथ यूनियन फिजिक्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस n ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, यानी कि m इंटरसेक्शन p। ये फार्मूला हम लोगों को पढ़ा रहा है, बस इसी को यूज करेंगे। क्या क्या वैल्यू हमें दी गई वो हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमें n ऑफ m कितना है, n ऑफ m यहाँ से नोट करते हैं, ये है 12। 12 लोग जो हैं गणित पढ़ाते हैं और 4 जो हैं गणित और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, यानी कॉमन n इंटरसेक्शन m, n m इंटरसेक्शन p, तो ये है 4। उसके अलावा हमें क्या मालूम है, उसने कहा कि 20 टीचर जो हैं वो या तो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी इसका यूनियन हमें दिया गया है n ऑफ m यूनियन p, ये दिया गया है 20। बट हमें निकालना अब क्या रह गया, सिर्फ n ऑफ p, यानी कि कितने लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n ऑफ m यूनियन p कितना है, 20। बस वैल्यू रखना रह गया, n ऑफ m ये है 12 प्लस n ऑफ p हमें निकालना है माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p कितना है, 4। 12 माइनस 4 कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस n ऑफ p। तो यहाँ से n ऑफ p हमारा कितना आएगा, 20 माइनस 8, दैट इज 12। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए, जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन ए टाउन ऑफ 840 पर्सन, किसी टाउन में 840 व्यक्ति हैं जिसमें से 450 पर्सन रीड हिंदी, 450 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 300 रीड्स इंग्लिश, 300 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं एंड 200 रीड्स बोथ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। देन नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो हमसे पूछा गया ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है PGT 2014 में। ऑप्शन हैं 210, 180, 260 एंड 290। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हिंदी पढ़ने वालों के लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एन ऑफ एच, नंबर ऑफ हिंदी जो पढ़ने वाले कितने हैं, नंबर ऑफ एच 450, और नंबर ऑफ इंग्लिश जो रीड करते हैं वो कितने हैं, 300। और ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो दोनों पढ़ते हैं, यानी कि कॉमन, या नॉफ एच इंटरसेक्शन ई, तो ये है 200। तो पहले तो हमें निकालना है एन ऑफ एच यूनियन ई, यानी कि कितने लोग कम से कम या हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो एच यूनियन ई ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें निकालना है द पर्सन हु रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो उसका हमें बार निकाल लेंगे। तो एन ऑफ एच यूनियन ई बार, इसकी वैल्यू लास्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, एन ऑफ एच यूनियन ई, यहाँ से क्या हो जाएगा, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। बस इस फार्मूले में हमको क्या रखनी है, वैल्यू। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। एन ऑफ एच कितना है, 450, एन ऑफ ई कितना है, 300, माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना है, 200। तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आई, 550। तो एन ऑफ एच
यूनियन ई, बट हमें निकालना क्या है, एन ऑफ एच यूनियन ई बार, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं। तो एन ऑफ एच यूनियन ई बार कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा टोटल कितने हैं पर्सन, 840, इसमें से घटा देंगे 550, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिल जाएगी 0 में से 0 को 0, 4 में से 5 यानी 14 में से 5 9, 7 माइनस 5 तो आएगा 290, यानी डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी वैल्यू ऑफ टेन सी वन प्लस टेन सी टू प्लस टेन सी थ्री प्लस डॉट डॉट टेन सी नाइन एज क्या होगी। ऑप्शन हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 10 माइनस 2 एंड 2 की पावर 10 माइनस 1। तो क्वेश्चन TGT PGT 2014 में आया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, 2 की पावर n = क्या होता है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, बस इसी फार्मूले को हमको यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हमें जो गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि टेन सी वन प्लस टेन सी टू प्लस टेन सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस टेन सी नाइन। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमें C1, C2, C3 यानी C1, C2, C3 और कहाँ तक है, C9 तक है, यानी कि हमें कहाँ तक, इसमें इसमें क्या करेंगे हम लोग, दो टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, टेन सी जीरो वाला टर्म एक इसमें जोड़ेंगे, टेन सी जीरो प्लस टेन सी वन यहीं से लिखेंगे, उसके बाद प्लस टेन सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस टेन सी नाइन प्लस टेन सी टेन, टेन सी जीरो और टेन सी टेन हमने जोड़ा, तो यहाँ से हम ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे यही टर्म, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेन सी जीरो प्लस टेन सी टेन। अब बस यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, टेन सी जीरो प्लस टेन सी वन प्लस टेन सी थ्री प्लस डॉट डॉट टेन सी टेन तक, ये हमने इस यहाँ से क्या क्या आएगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर n आएगा, मतलब तो n कितना है 10, तो 2 की पावर 10 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 10 सी 0 कितना होता है 1 प्लस और 10 सी 10 ये भी 1 होता है, तो इस यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2 की पावर 10 माइनस 2। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा आपको बता दें एन सी जीरो की वैल्यू 1 कैसे आएगी ये देखते हैं, 10 सी 0 तो टेन सी जीरो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 आएगा अपॉन फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 10, 10 माइनस 0 10 ही आएगा, उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, 1 अपॉन 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, हम लोगों ने पढ़ा है फैक्टोरियल 0 = 1, ये वैल्यू अगर आपको पता है तो आप अच्छे से कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू क्या है, टेन सी टेन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 0, क्योंकि फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल नीचे वाला 10 फिर फैक्टोरियल n माइनस 10 यानी 10 माइनस 10 0, तो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल आउट, 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 = 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो इस तरीके से टेन सी जीरो और टेन सी टेन की वैल्यू आती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स एग्जैक्टली 2 मेंबर्स हैव बर्थडे ऑन संडे। ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आया TGT 2014 में, इसमें कहा गया है 5 सदस्यों के परिवार में ठीक ठीक 2 सदस्यों के जो बर्थडे है यानी कि 2 सदस्यों का जन्मदिन है वो रविवार को आने की संभावना कितनी है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर्स एग्जैक्टली 2 मेंबर्स है बर्थडे ऑन संडे, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम लोग जानते हैं 1 वीक में कितने डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 7।
और की कहा गया कि 2% जो है किस तरीके से कैसे सिलेक्ट किए जा सकते आउट ऑफ 5 में से, तो नंबर ऑफ टू पर्सन सिलेक्टेड इन 5 इक्वल टू कैसे 5C2, 5 में से 2 व्यक्ति कैसे चुने जा सकते हैं, 5C2 प्रकार से चुने जा सकते हैं। अब ये कहा गया है कि एक पर्सन के लिए रविवार को बर्थडे के लिए प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज बर्थडे ऑन संडे, यानी कि संडे किसी एक व्यक्ति का संडे को बर्थडे पड़े उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/7, 1/7 हो जाएगी। और जो बाकी के जो बचे मेंबर हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिमेनिंग रिमेनिंग पर्संस बर्थडे ऑन संडे, तो ये क्या हो जाएगी 1 - 1/7 दैट इज 6/7, तो ये हो जाएगी रिमेनिंग के लिए उस, इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल कितने 5 में से 2% सेलेक्ट करने कैसे, 5C2। उसके बाद यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डेज, यानी कि 2% के लिए कितना हो जाएगा, 1/7 की पावर 2 इस तरीके से, और जो रिमेनिंग है वो 6/7 की पावर 5 - 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 3। तो ये वैल्यू क्लियर है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, वही फार्मूला लगाया है, NCR P(r)Q(n-r), यहाँ पर क्या है 5C2 × P यानी कि 1/7 और P(r) यानी कि 2% सेलेक्ट करने और n-r 5 - 2 यानी कि 3। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करना रह गया है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5C2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यह आ जाएगी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3 इंटू 1/7, तो 1/7 की पावर 3 × 2, तो नीचे तो 7 की पावर 5 ही कन्फर्म है, ये तो आने ही आना है। आप देखते हैं यहाँ पर आएगा 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 6 की पावर 3। अब बस इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 5 इसको लिख लेंगे 4 × 5 × 4 या 4 × 5 एक ही बात है, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 2 से डिवाइड करेंगे इनटू 6 की पावर 3/7 की पावर 5। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यह आ जाएगा 10 × 6 की पावर 3/7 की पावर 5। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे और 53 मंडे इज, यानी किसी एक लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार आने की संभावना क्या है। ऑप्शन हैं 2/7 3/7 5/7 एंड 4/7। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इन ए लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, इन ए लीप ईयर कितने दिन होते हैं 366 डेज। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे यानी कि 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 53 संडे इक्वल टू क्या हो जाएगी 2/7, यहाँ से क्या आएगी 2/7, इसको मान लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यस
इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे आने पर प्रायिकता क्या होगी, पी ऑफ एम, इसको ये भी आ जाएगी 2/7। उसके बाद इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे, 53 संडे और 53 मंडे, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे माइनस 1/7। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और 53 मंडे, तो ये क्या हो जाएगी, 2/7 प्लस 2/7 माइनस 1/7। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4/7 माइनस 1, यानी कि 3/7। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सम NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन कई बार आया, ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला, इसको हम लोग फार्मूला एक तरह यूज भी करते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1 ये होता है N प्लस 1 CR, ये इस फार्मूले को कहते हैं पास्कल रूल, पास्कल्स रूल जो होता है ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बट इसको हम लोग ड्राइव करके देखते हैं, इसको ड्राइव करेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे NCR को, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस प्लस 1। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल r, यहाँ से हम लोग वैल्यू कुछ कॉमन ले लेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r कॉमन ले लिए, उसके बाद फैक्टोरियल r माइनस 1 ये वैल्यू कॉमन ले ली, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 1 अपॉन, यहाँ से फैक्टोरियल r बचेगा, फैक्टोरियल r प्लस, यहाँ हमने फैक्टोरियल r माइनस 1 कॉमन ले लिया और फैक्टोरियल n माइनस, तो यहाँ बचेगा फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, क्योंकि उसके बाद जो टर्म आएगा वो ये आएगा, वो हमने कॉमन ले लिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आएगा, इसको जब एलसीएम लेंगे तो आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ जब इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ थोड़ी गलती होगी, वहाँ पर आएगा r, सिर्फ r आएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा r इंटू n माइनस r प्लस 1, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर आएगी n माइनस r प्लस 1 प्लस r। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, r से r कैंसिल हो गया, ऊपर बचा n प्लस 1 अपान r इंटू n माइनस r प्लस 1, ये वैल्यू हमें मिली। अब n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n प्लस 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, r इंटू, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल r, उसके बाद इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। तो ये चीज़ क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 सी आर, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और एक फार्मूला हम आपको बता दें, अगर ए इंटरसेक्शन बी कहीं कहीं पूछा जाता है तो ये थोड़ा अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आता है जब ए एंड बी कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं, ए और बी कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं, तो ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फार्मूला कई बार यूज होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स साइड देन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू। ऑप्शन है 7, 10, 5 एंड नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन आया 2015 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया गया है यदि एन भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण उसके बाजुओं जो भुजाएं हैं उनसे दोगुने के बराबर हैं तो एन का मूल्य क्या होगा। तो पॉलीगन की जो हमें भुजाएं दी गई साइड कितनी है, एन है। पॉलीगन हैज, इसको लिख लेंगे, पॉलीगन हैज एन साइडेड, यानी कि एन भुजाओं से घिरा है पॉलीगन। पॉलीगन वैसे भी एन भुजाएं होती हैं, बहुभुज होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाता है, एन सी टू माइनस एन। क्योंकि हम लोग जानते हैं एन बहुभुज वाले भुजाओं को डायगोनल कैसे मिलता है, दो भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने से, उसके उसमें से भुजाएं अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ डायगोनल हमें मिल जाता है। तो एन सी टू माइनस एन, बस इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और हमें दिया गया है ट्वाइस ऑफ इट्स साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, एन सी टू माइनस एन इक्वल टू कितना दिया, ट्वाइस ऑफ इट्स साइड, यानी कि टू इंटू साइड। पॉलीगन की साइड कितनी है, टू इंटू एन, यानी टू एन। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे एन सी टू माइनस एन इक्वल टू टू एन, टू एन उधर चला जाएगा तो थ्री एन हो जाएगा, एन सी टू इक्वल टू थ्री एन। अब इसको सॉल्व करते हैं, एन सी टू इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू इक्वल टू थ्री इंटू एन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, मैं ऊपर आएगा एन एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू, वो इससे कैंसिल हो जाएगा अपॉन टू, टू इंटू वन टू इक्वल टू थ्री इंटू एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एन माइनस वन इक्वल टू टू इंटू थ्री सिक्स, तो यहाँ से एन मिलेगा सेवन। दिस इम्प्लाई एन इक्वल टू सेवन। तो नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की कितनी आ गई, सेवन, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। तो ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पहली बार अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।